प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली शिमला के भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में संपन्न हुई। इस वर्चुअल रैली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल मुख्य वक्ता रहे। उनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप में उपस्थित रहे। इस वर्चुअल रैली की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2,000 रुपए हिमाचल प्रदेश के 8,74,000 किसानों के खाते में आया। 175 करोड़ रुपए हमको प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 5,90,000 हमारी माताओं को 500 रुपए 3 महीने का, यानी 1,500 रुपए उनके खाते में आया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर महीने के लिए एक गैस का सिलेंडर, 3-3 गैस के सिलेंडर पिछले 3 महीने में वो गैस जो है आदमी हमारे गांव में पहुंची, घरों में पहुंची, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और उसी तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक देश एक राशन कार्ड की जहां बात कही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल पूरे देश पर पहला राज्य है जिसने एक वन नेशन वन राशन कार्ड इसकी शुरुआत की, और उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को जो मदद मिलनी थी वो मदद जो है काम में 60,000 करोड़ रुपए पहले पैसे का प्रावधान किया, 40,000 करोड़ रुपए उसने और इजाफा किया और बढ़ोतरी की। आज मनरेगा का काम चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, और वही हिमाचल प्रदेश में जहां हमारी सरकार की ओर से जो करने की चीजें थी वो भी हमने करने की कोशिश की। हमने 3 महीने के लिए सभी हिमाचल के सभी भाई और बहनों के लिए जो पेंशन देनी थी उस पेंशन का सामाजिक पेंशन देते हैं, 3 महीने के एडवांस पेंशन हमने हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को दी, और उसमें लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को 5,17,000 लोगों को जो है इसके माध्यम से लाभ पहुंचाया। 217 करोड़ रुपए हमने उस पर खर्च किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां हिमाचल प्रदेश में जो हमारे BOCW के अंतर्गत जो हमारे मजदूर भाई आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है कामगार बोर्ड के अंतर्गत, उनको 4,000 रुपए उनके खाते में डालने में कामयाब हुए। आशा वर्कर जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका संकट के क्षण में निभा रही है, 4 महीने का 1,000 रुपए का उनको इंसेंटिव दे करके अभी 2 महीने के लिए और जो है 2,000 रुपए का इंसेंटिव जो उनके खाते में डालने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है और इस टूरिस्ट स्टेट है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा संकट उस सेक्टर पर पड़ा है। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से, उनकी शुभकामनाओं से, हमने हिमाचल प्रदेश के सभी टूरिस्ट जो जितने भी हमारे जो होटल्स हैं, होटलियर्स हैं, उनका 6 महीने के लिए बिजली और पानी का किराया जो है उनका माफ किया।